भाई सीरियल अनुपमा में काव्या के टैंट्रम्स कुछ कम थे कि अब तो काम वाली बाई भी एटीट्यूड दिखाने लगी है। लेकिन वेरी फ्रैंकली मैं आपको एक चीज बताऊं, प्लीज अगर आपके पास काम वाली बाई है ना तो उसका एटीट्यूड सह लीजिए, खुशकिस्मत है कई लोगों के पास तो ये खुशी भी नहीं है। देखा ना काव्या तो काव्या, अब उसकी नौकरानी भी हिब्बा और अनुपमा से इस तरीके से बात करेगी। मेरा जब मन करेगा तब मैं सोऊंगी, जब मन करेगा तब उठूंगी। जब मेरी मालकिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन्हें क्या प्रॉब्लम है हा? जब देखो तब दूरबीन से झांकती रहती है, हर बात पे चिक 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 करती रहती है। जीना हराम करके रखा इस औरत ने। क्योंकि मैं बा हूँ, उस ज़माने की मेरी सोच है, तो हम तो मानते ही नहीं कि घर में घर नौकरों के सर पे होना चाहिए, हर सब काम खुद ही करना चाहिए, वैसी हमारी सोच है। और अनुपमा भी इतने सालों तक करती थी तो इसीलिए मुझे ये मेज ज़रा भी पसंद नहीं है। तो हमारे रोज़ के पंगे होते वो बर्तन वॉशिंग मशीन में बहुत सारा आधा डब्बा उसने पाउडर डाल दिया, फिर उसने बराबर बात नहीं की, हमारे बापू जी से भी बात नहीं की, तमीज़ है। खाना भी उसने कुछ एकदम कोई मसाला वसाला नहीं ऐसा, तो somehow मुझे वो पसंद नहीं है और इसलिए बार बार मैं उसको टोकती रहती हूँ। तो एक टॉम एंड जेरी वाला एक रिलेशन हो गया। बा ने केवल ये कहा कि हॉल में सोने की जगह नहीं है और अनुपमा ने कहा कि चलो मैं तुमको जगह बताती हूँ। फिर क्या इस बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। लो आ गई तुम्हारी मैडम मैदे की कटोरी। ये तेरे ज्ञान की बाल्टी को कह कि उसका नाम गीता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम सबको ज्ञान बांटती फिरे। क्या हुआ गीता? काव्या के सामने गीता बोलती गई और बोलती ही रह गई। अब काव्या तो काव्या है, भला वो कहाँ किसी की सुनती है। वनराज भी खड़े खड़े देख रहा है, लेकिन हाँ अनुपमा सब जानती है, सब समझती है। ये मैडम और ये बड़ी वाली मैडम, ये लोग मुझे परेशान करके रखा है इन लोगों ने। मैं थोड़ी देर सोना चाहती थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मुझे थोड़ी देर सोने दो, तो प्राशे पानी लेके मेरे सर पे चढ़ गई। जब ये दिन भर में 100 बार आपको मैदे की कटोरी कहती रहती है, तो सोचिए इन्होंने मेरा क्या हाल किया होगा। अरे सोचना क्या, अभी दिखाती हूँ कि तेरा क्या हाल कर सकती हूँ। तो एक तरह से वो ये भी है कि चुगलियाँ करती है, यहाँ की बातें वहाँ करती है, दिया सलाई का काम करती है, घर में आग लगाती है, झगड़े करवाती है। वनराज से उसने बात की और काव्या को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन काव्या कहाँ मानने वालों में से है। उसकी तो सबसे बड़ी दुश्मन अब इस घर में अनुपमा बन गई है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।